बांग्लादेश में हिंदुओं पर हो रहे अत्याचार और हिंसा से आगरा शहर में भी आक्रोश पनपने लगा है। इसी आक्रोश के चलते सोमवार को आगरा में सामाजिक संगठनों ने स्पीड कलर लैब पर महिला, पुरुष और बच्चे धरने पर बैठ गए। हाथों में तख्ती लेकर धरना प्रदर्शन पर बैठे आगरा वासियों की मांग थी कि बांग्लादेश में हिंदुओं पर हिंसा बंद हो और मंदिर सुरक्षित हो। बांग्लादेश में होने वाले अत्याचार के विरोध में शहर के लोगों ने सड़क पर उतरकर प्रदर्शन करना शुरू कर दिया। इस प्रदर्शन की कड़ी में पुरुष हो, महिला हो या फिर बच्चे, सभी लोग हाथों में तख्तियां लेकर सड़कों पर उतर आए और फिर स्पीड कलर लैब पर जमकर प्रदर्शन किया और वहीं पर धरना शुरू कर दिया। प्रदर्शनकारियों ने सरकार से हिंदुओं की रक्षा के साथ साथ हिंदू मंदिरों को भी सुरक्षित किए जाने की मांग उठाई। लोगों का कहना था कि अगर सरकार हस्तक्षेप करे तो हिंदुओं का नरसंहार और उनके साथ हो रही हिंसक घटनाएं रुक सकती हैं। प्रदर्शनकारियों ने कहा कि मंदिरों में भी तोड़फोड़ हो रही है, लगातार हिंसा के वीडियो सामने आ रहे हैं। उनकी मांग थी कि सरकार हिंदुओं पर अत्याचार रोकने के लिए कदम उठाए। और मेकअप कराने से पहले और टेलर इन चार पांच सेवाओं को लेने से पहले आप ये सुनिश्चित करें किस बिरादरी से आता है। यदि वो हिंदू नहीं है तो हम 10 रुपए ज्यादा खर्च करेंगे, काम हिंदू से ही कराएंगे, या निश्चित रहिए थोड़े बहिष्काराम करना पड़ेगा। और बहिष्कार ये उनके लिए नहीं है, ये अपनी खुद की सुरक्षा के लिए है, क्योंकि नियत पे वोट है, उसी नियत पे वोट है। आप विषय ध्यान रखिए, और यदि आपको हिंदू ये सब काम करने वाले नहीं मिलते तो आपको हम देंगे, हम पे लिस्ट लंबी लंबी लोगों का कहना था कि बांग्लादेश में हिंदू बेटियों के साथ अत्याचार हो रहा है, उन्हें निशाना बनाया जा रहा है, मंदिरों को तोड़ा जा रहा है, इसे हिंदू समाज बर्दाश्त नहीं करेगा। रुद्राक्ष फाउंडेशन की बबीता पाठक ने कहा कि बांग्लादेश की आजादी के समय हिंदुओं की जनसंख्या 32% थी, मगर अब हिंदुओं की संख्या 8% तक आ गई है। प्रदर्शनकारियों ने बांग्लादेश के खिलाफ जमकर नारेबाजी भी की। धर्मों को जो नॉन मुस्लिम हिंदू धर्म से उन सबको एकजुट होना चाहिए और क्षत्रिय के साथ शस्त्रीय भी बनना चाहिए, सबको अपने घरों में शस्त्र भी रखने चाहिए। और एक चीज का और ध्यान रखना चाहिए जो मैं कहना भूल गया कि जो भी हलाल सर्टिफिकेट के प्रोडक्ट है उनका भी हमें बहिष्कार करना चाहिए और एक ऐसा सर्टिफिकेशन आना चाहिए जिसमें हलाल सर्टिफिकेशन के अलावा जो प्रोडक्ट है उन्हीं को ही खरीदना चाहिए। पूरा मामला हरि पर्वत थाना क्षेत्र से जुड़ा हुआ है। भारी संख्या में लोग सड़कों पर उतरकर स्पीड कलर लैब पर पहुंचे और वहां पर बांग्लादेश में हिंदुओं के नरसंहार के विरोध में धरना दिया। हाल ही में बांग्लादेश में तख्ता पलट हुआ है और शेख हसीना की सरकार गिरने के साथ ही शेख हसीना को भारत में शरण लेनी पड़ी। उनके देश छोड़ने से ही बांग्लादेश में हिंसक घटनाएं और ज्यादा बढ़ गई हैं। वहीं हिंदुओं का नरसंहार भी होने लगा। बांग्लादेश में हिंदू अपने आप को सुरक्षित नहीं महसूस कर रहा, इसलिए भारत की ओर कदम बढ़ रहा है और सरकार से शरण लेने के साथ साथ सुरक्षा की गुहार लगा रहा है।